आ चुका है 40-40 किलो मैंने आलू इसमें। आप लोग को न्यू वीडियो में एक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे मैं आलू लगा रखा हूँ। आज आलू खोदने की बारी आ चुकी है। देख सकते हैं कि आलू आज मैं खोदूंगा, बाकी आलू लाल आलू आज पहले खोदूंगा। देखिए आलू की कुछ हाल ऐसा हो चुका है। इसमें देखो ये पालक का बीज है, इसमें पालक बड़ी होकर पालक जमी है, बाकी इसमें पालक पहले हम हटाएँगे, उसके बाद नीचे आलू है जो ये है, दिख रहा है आप लोगों को, ये आलू है। आलू के हम खोदेंगे। चलो पहले हम इससे ये हंसिया की मदद से पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं पालक, उसके बाद आलू दिखाता हूँ आलू कितना, इसको पहले हम साफ़ करेंगे, देखो कितना खर है इसमें, मतलब कितना पालक के बीज निकले हैं, पेड़ जो बीच में नहीं कट पाए थे पालक, वो छोटे से बड़े हो गए, वो बीज बन चुके हैं। ये देखो ये पालक का बीज ऐसा कुछ होता है, ये देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक आपको पता होगा, ये लाल आलू हो उसके बगल में जो ये सफ़ेद आलू लगाए थे। पहले हम इसको सफ़ा करेंगे, उसके बाद हम खोदने की प्रक्रिया चालू करते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से तक लाल आलू है, ये देखिए पूरा यहाँ तक लास्ट तक लाल आलू है। उसके बाद जो सफ़ेद आलू उसको बाद में खोदेंगे, पहले हम लाल आलू खोद लेंगे, उसके बाद हम सफ़ेद आलू के वीडियो बनाए बताएँगे कितना आलू इतने में लाल निकली है, कितना उसमें सफ़ेद निकलती है। चलो पहले हम लाल आलू खोदते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। पहले देखो ये इसमें मटर भी जो बोए थे, ये मटर भी है। आप लोग को पहले मटर दिखाते हैं हम, कि कुछ मटर तो सूख गए भाई, ये देखो ये मटर के पेड़ तो सूख गया, इसमें मटर है, ये देखो मटर लटके हैं, ये देखो मटर, और कुछ तो हरे हरे जो कि भी सही है, ये बड़े वाले मटर। चलो हम पहले इसको हम खोदते हैं, पहले इसको पहले हम काट लेते हैं, उसके बाद हम खोदने की प्रक्रिया चालू करते हैं, और आप लोग को दिखाता हूँ कैसे खोदी जाती है। फिलहाल चलो इतनी हम आलू लगाए थे आप लोग जानते ही, और बाकी इधर टमाटर था, टमाटर बाद में दिखाएंगे, पहले आलू हम खोदते हैं, पहले इसको काटते हैं, उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने पूरी साफ़ कर दिया है जो कि पालक था। ये देखो पालक के पेड़ हमने उठा उठाए यहाँ पर रख दिया, काट कर पूरी सफ़ा कर दिया है, देखो फिर अब बचा इसमें मटर, और बाकी आप लोग को धनिया का पेड़ है, ये धनिया का बीज है, धनिया कुछ कुछ पड़े हैं, और बाकी और इसमें मटर है। अब मटर के बारी है, मटर उछाड़ना है, अब मटर को उछाड़ के साइड में रखना है, इसको फिर सूख जाएगा, उसके बाद इसको पीट कर उसमें से मटर निकाल लिया जाएगा। चलो इसको हम उछाड़ दे रहे हैं, बस इसको जितने जड़ पकड़ो उछाड़ो, बस देखो साथ में चढ़ जाते हैं, और साइड में आराम से रख दो, पकड़ो हाथ में आ जाएगी, फिर इसका जड़ यहाँ पे खींचो, बस तो चढ़ जाएगी। इसी तरह पूरे में मटर कहीं कहीं है, खींचो चढ़ जाएगा, उसके बाद ये साइड में उछाड़ने के बाद इसको सब उछाड़ लेते हैं पहले इसको, ये देखो मटर, जिसको खाना हो मटर तो आए वो मटर खा जाए, देखो मटर। चलो इसको पहले हम रख देते हैं साइड में, इकट्ठा यहीं पे रख देते हैं, ये मटर है सारा, इसी तरह मटर उछाड़ लेते हैं हम, हरी हरी मटर है भाई, इसे भी खाना हो तो जल्दी से मेरे फील्ड पे आ जाए, मतलब खेत पे आ जाए, नहीं तो ये 2 दिन के बाद सूख जाएगी, तो ये सिर्फ छोले बनाने के काम आएंगे बस, बाकी कुछ नहीं आएंगे। अभी तो कुछ हरे मटर है ना, इस वजह से अभी तो खाने में थोड़ा अच्छी लगेंगी। पहले हम इसको सब उछाड़ लेते हैं, आज कुछ
हवाएं तेज चल रही हैं। चलो हम पहले मटर उचाल लेते हैं, उसके बाद उधर से खोदा जा रहा है आलू, इसमें खोद जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे कितना आलू आज निकला है इसमें। चलो पहले मटर उचाल देते हैं। फाइनली गाइस आपको दिखा दे रहा हूँ कितना आलू खोद चुका है, मेरे बार उड़ रहे हैं जो कि आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। देख रहे हैं आपको इतना आलू जमा हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है और कितना खोद चुका है आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए दिख रहा होगा आपको इतना से वहाँ तक आलू खोद चुका है, बाकी वहाँ खोदा जा रहा है और आगे खाने में जुटा भी। और बाकी चलो जो कि हम मटर तो इकट्ठे यहाँ पे कर दिए थे, देख सकते हैं ये मटर यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, बाकी ये पालक का बीज था। आलू खोद गया है, बाकी थोड़ा बचा है, बस एक पुली बची है, देख सकते हैं थोड़ी बची, वो भी खोदा जा रहा है यहाँ से वहाँ तक खोद गई है। चलो दिखाता हूँ कितना निकला है, उसके बाद हम इसको बोरी भरेंगे और बोरी भर के दिखलाएँगे कितना कितनी बोरी निकली है। फिलहाल तो बोरी मांगी, चलो दिखा देते हैं कितना निकला है। ये देखो कूड़ा लगा है आलू का, ये आलू कूड़ा लगा है, आप देख सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना निकला है, जो कि ज़्यादा हाई नहीं है, यहाँ से शुरुआत है वहाँ तक है बस एक ही में, इतना ही लाल आलू बोए थे। आप लोग को छोटी सी वीडियो दिखा देंगे लाल आलू की, जितना हम बोए थे फिलहाल इतना ही निकला है, एक दो तसला और है निकल जाएगा, बाकी इतना ही निकला है। चलो हम आलू भरेंगे, चलो आलू भरेंगे तो वीडियो वहाँ की भी दिखा देंगे आलू भरने कितना कितनी बोरी निकली है आलू की, एक निकलती दो निकलती कि एक ही में ख़त्म हो जाती है। चलो दिखा देंगे गाइस, अब पूरे ही खोद चुका है आलू, जो भी एक निकला है एक तसला वो भी इसमें ना दिया मैंने, दो तसला आ चुके हैं। अब एक दो बोरी मैंने दो बोरी लेके आए थे, दिखा दे रहा हूँ आपको, ये दो बोरी है। चलो अब हम बोरी में इसमें भरते हैं, देखते हैं कितना निकलता है, चलो देखते कितना निकलता है इसमें। बाकी तो हमने इसमें 40 किलो मैंने आलू इसमें बोए थे, चलो निकलता कितना दिखाते हैं। और बाकी एक बोरी हो चुकी है और बाकी छोटी निकली है, बस इतना ही आलू निकला है, और बाकी जो कि ये सफ़ेद वाला आलू है ये तो अभी बाद में खोदेंगे, इसलिए अभी हम लाली आलू से खोदे हैं, लाल आलू हमें ज़रूरत था इसलिए लाल आलू खोद लिए। अभी सफ़ेद आलू दो तीन दिन के बाद खोदेंगे तो उसके वीडियो बाद में दिखाएंगे। चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सिर्फ इतना ही, अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।